असी जोगिंदर बासी जिहड़ा एक रेडियो चलाउंदा आ उन्हें साडे परिवार के टोरंटो के जोगिंदर बासी गाउंदा पंजाब रेडियो टोरंटो उन्हें साडे परिवार के उपर एलीगेशन लाए ने मेरे चाचा जी ने इंद्रजीत सिंह उन्होंने एलीगेशन लाए ने कि यह कनेडा के विचों दो नंबर का काम करते करते सी इंडिया के करते उन्हें कहा कि साढ़े मतलब कहते गैंगस्टर संबंध नहीं इदा ने। सो मैं उन्हों तो प्रूफ मंगता है अज क्योंकि जो तुम एलीगेशन लाया वो खिलाफ़ असी कोर्ट के केस दायर किया रमानयोग अदालत ने जोड़े हुक्म जारी करते हैं कि सारे प्रोग्राम इमीजिएटली बंदा डिलीट करे क्योंकि वो कोई एविडेंस नहीं और सैकेंडली असी उन्होंने मानहानि का जोड़ा एक जो बनता है परचा वो असी दर्ज करवाया रिपोर्ट दी है और असी बनते सबूत भी असी जो प्रशासन को देते हैं और प्रशासन असी मानयोग डी जी साहब न मिले से और उन्होंने बहुत वधिया तरीके गल भी सुनी और उन्होंने भी शायद ये चीज़ गलत लगी और उन्होंने ये उपर कार्रवाई के हुक्म दिए ने। होपफुली जल्दी जोड़ा हैगा वो जो बनती एफ आई आर जो भी कार्रवाई बनती है प्रशासन वो भी जोगिंदर बासी के खिलाफ होगी। और मैं एक मैसेज भी देना चाहना साढ़े जे स्टूडेंट भरा ने जिन्हें भी लोग उस बंदे तो पीड़ित ने डरी का नहीं होंगे आपके हक लिए खड़ी का होंगे जे कोई बंदा थोड़ा बेफायदा बदनाम कर रहा साढ़े स्टूडेंट्स को या होर तो तुम सानू कॉन्टैक्ट करो मैं थोनों इतों चंगे साढ़े वकील साहब जिन्होंने नॉलेज आ तुम भी आपदे जो थोड़े खिलाफ़ उन्होंने गलत प्रोग्राम बिना प्रूफ तो पाए हुए ने वो डिलीट करवा सकते हो तो उस बंदे नू पता लगे कि मेरी लिमिट्स किनिया ने और मैं किन्ना क बोल सकता। एक बंदा रेडियो पर बैठ के किसी हरामजादे की गाल कट रहा जो रेडियो पर बैठ के कह रहा कि मैं तेरी वर्दी एक किसी पुलिस ऑफिसर तुम जो लाइव शो उन्होंने तुम सुन सकते हो किसी पुलिस ऑफिसर थ्रैट कर रहा है कि मैं तेरी वर्दी जी है वो मैं एक घंटे चलवा के तेनों अंदर बंद करवा दूंगा। तो ये मतलब राइट उस बंदे किने दिता कितों को इन्नी पावर आ गई कि वह प्रशासन आ जा मतलब अदालत आ जो अथॉरिटी है ये साडा क्वेश्चन है जी। देखो जी ये साड़ी फैमिली का मैटर है जी जो मतलब मेरे चाचा जी हो गए जो साडा एक परिवार आ तो समझ लो मैं भी उहदे विच ही हाँ ना। और जिहड़ी गल दूसरी रह गई भी जिहड़ा होरां नूं आ होर लोग भी बड़े परेशान ने सानू कितने लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और जे सानू लोड़ पई तो कोई चक्कर वाली गल नहीं आपां इहो जिहियां प्रैस कॉन्फ्रेंस हो भी अगे करांगे प्रैस कॉन्फ्रेंस करांगे जे साडे राहीं किसी पीड़ित बंदा जिहड़ा बंदा क्योंकि थोड़ा पता लोग भोले ने डर जाते हैं जेडे साडे बाहर कनेडा बच्चे भी गए हैं उन्होंने पी आर एक बहुत वड्डा मुद्दा क्योंकि इंडिया तो वो किसी के फादर ने ट्रैक्टर बेचा किसी ने जमीन बेची है कि बच्चे सैट हो जाए तो उन्होंने बच्चों जे तुम इस तरीके आया बदनाम करता कोई बंदा तो वो खिलाफ़ जी बनती कार्रवाई वो की जानी चाहिए है। और बाकी मैं सारे मीडिया का थोड़ा भी थैंक्स करदा और मैं ये भी कहना चाहता कि मीडिया सारा नहीं माड़ा होंदा कुछ क बंदे जिहड़े इहनू बदनाम करदे ने उहदे खिलाफ़ तुसीं भी आवाज़ उठाओ क्योंकि ये थोड़ी इमेज का सवाल है। डेफिनेटली किया जा रहा मैं थोनों ये कहूँगा देखो मेरे कहने पर नहीं तुम उन्होंने जाके शो देखो तुम जो शो देखोगे थोनों साफ पता लगू तो देखो भी जिहड़ा सब तो पहला रहा तुम इदा दसो भी जो कोई बंदा रेडियो शो कर रहा कि एक पत्रकार किसी को गाल कढ़ सकदा एम मोटिव आ आपकी लोकप्रियता वधाउणी आपदे आप कि लगे कि जो ये शो आ कुछ कु लोग इदा देखते हैं जो उन्होंने कितने मसाला या इंट्रस्टिंग चीज़ा मिलदियां ने तो उरे व्यूअर वध जांदे ने उन्हां दी इक फॉलोइंग वधदी है। हरेक जनता साडी बहुत सियाणी आ पर साडे भोले लोगों की भी कमी नहीं जिन्हां नूं वो शो चंगे लगते हैं यूट्यूब तो पैसे आते हैं जिहड़ा साडे जिहड़ी पिंड तो साडी लेडी आ जिहड़ी कमलदीप कौर आ वो साडे पिंड तो उन्हां दी रिस्पैक्ट आ भैन कह लो क्योंकि साडा परिवार आ असी मिलते हैं सारे है ना पर उन्हां राहीं वो कह रहा कि 10 लाख रुपये की ठगी वजी आ हुण उधर की सैटिंग आ उहदी ये तो उही दस सकदा ना क्योंकि जां तां 10 लाख का कोई प्रूफ देवे जां तां 5 करोड़ की ठगी का कह रहे उहदा कोई प्रूफ देवे जदों किसी चीज़ का प्रूफ ही है नहीं तो फिर तुम किसी बंदे की 16-17 दिन तुम लगातार आपके टॉक शो च बोलने तो बाद कह देना चलो जी गल खत्म हो गई तुम तो गल खत्म करती पर जो परिवार के उपर एक धब्बा एक दाग लाता जोड़ा वो सारी उम्र लिए जुड़ जूगा असी उन्होंने क्लीयर करने वास्ते जिते बैठे हुए हैं। एक बंदा पत्रकारी की आड़ दे विच एक ब्लैकमेलिंग कर रहा वो ब्लैकमेल सानू भी किया गया वो होर जिन्हें बेचारे भोले जवाक आ जा नवे उन्होंने भी कर रहा सो वो खिलाफ़ जी बनती कार्रवाई की जानी चाहिए है।
असी अदालत दे विच जाके कंप्लेंट कीती सी कि जिहड़े आ जिहड़ा ब्लैक इंडिया दे विच और इंडियन अदालत ने हुक्म जारी करते आ कि जिहड़े उन्होंने शो साढ़े खिलाफ़ बिना सबूतों तो गलत पाए ने वो डिलीट किए जाण। कैनेडा दे विच जिहड़े साडी असी जी कैनेडा की पुलिस नूं इनफॉर्म करता उन्होंने साढ़े तो 5 दिन मंगे ने ते साडे ईवन जिहड़े साडे जिहड़ा साडा बच्चे आ छोटे अबे ते उहदे आ वह घरों बहर जाना पसंद नहीं करते क्यों क्योंकि बच्चों ये होंगे कि यह साडे फादर से जो एलीगेशन लगे बाहर छोटे बच्चे जे कि बच्चे मेहना भी मार देंगे तो बच्चा सारी उम्रली डिप्रैसड हो जाता। सो इस करके असी बनती कार्रवाई जल्द तो जल्द जगिंदर बासी से मंगते हैं। मेरा नाम जी इंद्रजीत फुलांवाल पेंड है जी। मेरा एक जगिंदर बासी है जी कनेडा तो रेडियो चला मैनू तकरीबन 16-17 दिन तो लगातार धमकिया दे रहा शो चला रहा मेरे खिलाफ़ 28 तरीक तो स्टार्ट होया हो 28-7 तो बिना किसी सबूत तो बिना किसी कोई इल्जाम मतलब अजे इल्जाम ला रहा वा मेरे से कि आ कनेडा तो भज्जिया होया वा ये पैसे खा गया ये 5 करोड़ खा गया ये 10 लाख खा गया ये भोले नाल केस चा उहदे कोल एक भी सबूत नहीं हैगा। मैं आपका एफीडेविट दिता सरकार नूं कि जे मेरे खिलाफ कोई भी सबूत आ तो मैनू फट के अंदर करो नहीं उहदे ते परचा करो। ब्लैकमेल ही है जी ब्लैकमेल करता वा वो शो देखो हूँ तक जिन्हें भी वो शो ने कि लोगों की फलाना फलाने भज गया ब्लैकमेल वो काम ही है वा पब्लिसिटी चाहता जी। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी पत्रकार की ब्लैकमेल ही कर रहा वी एक बंद तो की लैना उन्हें बार बार 17 दिन पत्रकार की आड़ ब्लैकमेल ही कर रहा। देखो जी पहला दिन वो लेडीज़ को लेके आया हाँ उदों 10 लाख की इन्होंने डिमांड की रल के मैं सरकार को कहा कि इन्हों कॉल डिटेलां कढ़ाई जान तो पता लग जाना उत्थे सच दा सच झूठ दा झूठ ठीक है जी वो क्या वा अपने पुलिस ने तो उदों 10 लाख रुपया मंगया उदू बाद जो मैं क्या नहीं मैं आपकी गल पर आया है उदू बाद इन्हें लगातार कंटिन्यू मेरे शो चलाए मेरे नाल की बैर है मैनू नहीं पता। लेडीज़ साढ़े पिंड की सी उन्हें घर बेचिया जी किसी होर बेचिया मैनू नहीं बेचिया शो भी किसी होर का सीगा उस मैनू धक्के खिच के लिया सारा शो इन्हें मेरे से किया 28 का मैनू आ समझ नहीं आ रही वो अगे मैनू कल टारगेट नहीं करता वो तकरीबन तकरीबन पंजाब दे देखो लोगों के घर रोलते उन्हें बेचारे किसी कहता वा मैं थोड़े पोस्टर लवा दूंगा किसी पुलिस वाले कहता कि मैं तेरी बेटी फड़ के अंदर कर दूँ मतलब कानून नहीं मन रहा वो इंडिया के कानून शकता उन्हें कहा कि उदा ही नहीं हूँ मैं अदालत ने मेरे हक च फैसला दिता तो अदालत ने कहा कि यह शो डिलीट किए जाए पर बंदा नहीं करता अदाल अपने लुधियाने कोर्ट ने हाँ जी तो ऑर्डर आ 16-8 दे जी ऑर्डर ने उन्होंने दिते कि यूट्यूब तो फेसबुक तो तू आ डिलीट कर जोड़े प्रोग्राम पाए थे खिलाफ पर नहीं मन रहे। मैं तो मंग अदालत से भी जाऊँगा पुलिस को भी जा रहा वा कंप्लेट देती है कि यदि चंगी तरह ना इनकुआरी की जाए। हाँ जी मैं भेजी है जी कंप्लेट मेरी वाइफ के बच्चों ने की है जी 13 तरीक न उत्थे पुलिस स्टेशन उन्हों का RMP होंगे वा जो भी कनेडा।